अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फोर हैबिट्स दैट इंक्रीज योर ब्यूटी, यानी कि चार ऐसी आदतें जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं और आपकी खूबसूरती को बरकरार रख सकती हैं। हुस्न और सेहत का असूल सिर्फ क्रीमों वगैरह या किसी प्रोडक्ट वगैरह का ही मोहताज नहीं है, बल्कि ये अच्छी खुराक से बहुत हद तक मुमकिन है। हुस्न और सेहत का आपस में बहुत गहरा और मजबूत ताल्लुक है। अगर आप इन दोनों को पाना चाहते हैं तो अच्छी खुराक आपके रूटीन में शामिल होनी चाहिए। ज्यादातर अफराद नहायत दिलकश, हसीन और खूबसूरत नजर के लिए मुख्तलिफ दवा पेज आजमाते हैं, लेकिन वो अक्सर अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाते, बल्कि उल्टा इससे नुकसान उठाते हैं। इसकी एक वजह अच्छी गजा का ना लेना है। जब तक अच्छी और सेहत बख्श गजा हासिल ना की जाए, इस वक्त तक यह कोशिश बारावर साबित नहीं हो सकती, क्योंकि गजा के बगैर हासिल करदा खूबसूरती महज चंद दिनों की ही होती है। आप क्रीमों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपको मक्ती तौर पर खूबसूरत तो बना देती है, आपके चेहरे का रंग भी साफ सुथरा कर देती है, लेकिन वो वक्त ही खूबसूरती होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के ज्यादा अफराद गैर ममालिक से दरामद शुदा क्रीमें और लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो किसी न किसी खूबसूरत नजर आ सकें। इसके लिए वो बहुत ज्यादा रकम खर्च करते हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इस तरह के नतीजे हासिल करने के लिए या इस तरह की खूबसूरती को पाने के लिए आप अच्छी खुराक को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, तो आप इस तरह की खूबसूरती को परमानेंट अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इसके साथ साथ ये आदतें आपकी सेहत को अच्छा करने के साथ साथ आपकी खूबसूरती में इजाफे का बास बनती है। नंबर वन, अपने चेहरे की अच्छी तरह देखभाल करें, खुद भाप का इस्तेमाल करें। चेहरे को शादाब बनाने की ख्वाहिशमंद, चेहरे की जिल को नरम मुलायम रखने के लिए इसकी सफाई और हिफाजत को अपने रोजमर्रा का मामूल बना लें। इस मकसद के लिए रोजाना चेहरे को साफ और ताज़ा पानी से धोकर भाप लें, ताकि मसामों के अंदर मौजूद मैल निकल जाए। ऐसे अफराद जिनकी जिल्द खुश्क हो, इन्हें भाप की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खाने या लगाने में ऐसी गजा या कुदरती चीज का इस्तेमाल करें जिनसे इनकी खुश्की रूटीन पर आ जाए। तो इस तरह आप अपने चेहरे की अच्छी तरह हिफाजत करके और भाप का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को खूबसूरत और जिल्द को नरम मुलायम बना सकते हैं। नंबर टू, मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल। ऐसे अफराद जिनके चेहरे पर जर्दी झलकती हो, इन्हें चाहिए कि वो मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ताज़ा फलों के साथ साथ मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। लीमू खूबसूरत के लिए शफाई असरात का बेशबाह खजाना है। इसका इस्तेमाल चेहरे पर कील महासों को रोकने के साथ साथ जिस्म में दौड़ने वाले खून को भी साफ रखता है। सुबह नहार मुंह एक गिलास पानी में लीमू निचोड़ कर पीने की आदत बना लें। इसके अलावा नहाने के दौरान भी एक चम्मच नमक और एक चम्मच लीमू का रस पानी में मिला लें, तो सारी थकावट दूर हो जाएगी और ये आपकी जिल्द की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। नंबर तीन, दूध का इस्तेमाल। दूध का इस्तेमाल भी हुस्न और सेहत की हिफाजत करता है। दूध से न सिर्फ ताकत और कुव्वत हासिल होती है, बल्कि ये चेहरे को खूबसूरत बनाने में भी मुआवन साबित होता है। एक गिलास दूध में पिसी हुई हल्दी और शहद का एक एक चम्मच अगर डालकर पिया जाए तो ये आपको ताउम्र चाकू चौबंद और बीमारियों से महफूज रखता है। इससे अलावा दूध से अपने चेहरे को साफ करने से चेहरे पर जो ताजगी आती है, वो किसी दूसरी महंगी क्रीम के इस्तेमाल से भी नहीं आ सकती। नंबर फोर, फलों का जूस और फलों के मास्क वगैरह। बाजारी क्रीमों और कॉस्मेटिक से अपनी जिल्द को मसनूई खूबसूरती ना दें, बल्कि कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। साथ ही साथ इनका जूस बनाकर पीना भी आपकी सेहत और खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मौसम के फल का जूस पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे प्रोटीन और ऐसी गजाई जरूरत होती है जो कि आपकी स्किन को बेहतर और खूबसूरत बनाने में मावन साबित होती हैं। जब आप ताज़ा फलों का जूस पीते हैं तो इससे आपको फर्क मिलती है और ताजगी का एहसास होता है, और साथ ही साथ ही आपके चेहरे की स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा ताज़ा फलों के जरिए चेहरे पर लगाने के लिए क्लींजिंग मिल्क और मास्क वगैरह भी बनाए जाते हैं, जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफे का बास बनते हैं। एक और अहम बात कि दायमी हसन और खूबसूरती और अच्छी सेहत का एक राज ये भी है कि हमेशा ताज़ा म्यारी और कुदरती चीज़ों को तरजीह दी जाए। हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपके मैदे में दाखिल होते ही फौरी तौर पर हजम हो जाए और आपकी सेहत के साथ साथ आपकी खूबसूरती में भी मावन बने। तो ये थी वो चार आदतें जिनको अपनाकर आप अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी गुजारें, तो आप इन चार आदतों को अपनाएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही ब्यूटी टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।